अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी खैरियत से हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो गाइज़, आज जैसे कि आप लोगों ने मेरी टाइटल से, मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं जा रही हूँ आज एक बर्थडे में। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बर्थडे की। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बर्थडे में, किसकी बर्थडे है, कहाँ पे उन्होंने अपनी बर्थडे अरेंज की, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी आज की इस वीडियो में। और आज जो मैंने अपना आउटफिट पहना है मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ, और जो मैंने आउटफिट पहना है उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस था जो कि मैंने सिलवाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपना ड्रेस। ये है एक मेरा अलकरम की फ़्रॉक जिसको मैंने हॉट डिज़ाइन किया है। तो इसकी मैं एक प्रॉपर आपको वीडियो दिखाऊँगी इंशाल्लाह किसी और दिन। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो जब तक हम लोग पहुँच रहे हैं बर्थडे में, आप लोग जाके जल्दी से मेरे जो है वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मुझे करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि मुझे है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं लकी वन मॉल। जी हाँ, उन्होंने जो अपनी बर्थडे अपनी बेटी की अरेंज की थी वो उन्होंने की थी लकी वन मॉल में, रॉयल जैस्मिन में अरेंज की थी। ग्रैंड बर्थडे उन्होंने अपनी बेटी की थी। बर्थडे है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की, मनाहिल की बर्थडे है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मनाहिल की बर्थडे में। बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड भी थे, बहुत ज़्यादा हम लोग हैप्पी भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि टाइम नहीं मिलता। बट काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इस तरीके से मिल रहे थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस हम लोग आ चुके हैं रॉयल जैस्मिन। आप लोग भी मेरी बर्थडे को यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो इस बर्थडे में खूब इंजॉय किया। तो आई होप गाइस कि आप भी मेरी ये बर्थडे की जो वीडियो है इसको कर रहे हो इंजॉय। कैसे लग रही है आपको मेरी ये वीडियो, आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। तो यहाँ पे बस हम लोग आ चुके हैं, और इन्होंने जो अरेंजमेंट किया हुआ था वो बहुत खूबसूरत किया हुआ था, बहुत ही प्यारी इन्होंने की हुई थी अपनी डेकोरेशन। और ये थी हमारी वो पूरी टेबल जो कि हमें मिली थी, मतलब मेरी कज़न को उन्होंने पूरी यहाँ पे अरेंजमेंट करवाया हुआ था। ये थे, तो ये देखिए बर्थडे का पूरा मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जो है वो अरेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो किया बर्थडे को खूब इंजॉय, आई होप कि आप लोगों ने भी किया हो। तो बस अब है केक कटिंग की बारी। इसके अलावा रिव्यू मैं आपको इस रेस्टोरेंट का ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूँगी, और ऊपर भी मैं पिन कर दूँगी ताकि आप लोग देख लें मेरी ये वीडियो। तो गाइस ये थी मनाहिल की बर्थडे, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये थी मनाहिल की बर्थडे जो कि मैंने होप इन्जॉय की। तो आई होप कि आपने भी इन्जॉय की होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।